हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान नेवी की I-54A फ्रिगेट्स के बारे में। ये फ्रिगेट्स किन सलाहियतों की हामिल हैं और पाकिस्तान कितनी फ्रिगेट्स आने वाले अरसे में इंडक्ट करने जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये टाइप 54A फ्रिगेट्स जो हैं, ये टाइप 54 का एडवांस वर्जन है और इस वक्त चाइनीज नेवी के जेरे इस्तेमाल हैं और चाइनीज नेवी 30 के करीब ये फ्रिगेट्स इस्तेमाल कर रही है। इसकी अगर हम कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें डिफरेंट रेडार्स फिट हैं जिनकी ट्रैकिंग रेंज 120 से लेकर 250 किलोमीटर तक है और ये डिफरेंट रेडार्स 40 के करीब टारगेट्स को सिमल्टेनियसली डिटेक्ट करने की सलाहियत के हामिल हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट, शिप्स और दीगर सी बॉर्न थ्रेट्स शामिल हैं। इसी तरह से अगर हम इसके वेपन सिस्टम की बात करें तो ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल कैरी करने की सलाहियत की हामिल है। इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल के इस वक्त चाइनीज नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल टाइप 54 फ्रिगेट्स 8C803 क्रूज मिसाइल फायर करने की सलाहियत की हामिल है, जबकि पाकिस्तान जो अपनी नेवी में फ्रिगेट इंडक्ट करने जा रहा है वो 6 एंटी शिप क्रूज मिसाइल फायर करने की सलाहियत की हामिल है। अब आपके जहन में आया होगा कि पाकिस्तान 8 की बजाय 6 मिसाइल की कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये फ्रिगेट्स क्यों ख़रीद रहा है। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त चाइनीज़ नेवी के ज़ेर इस्तेमाल फ्रिगेट्स जो C803 मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती हैं, इन मिसाइल्स की रेंज 190 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान इसमें पाकिस्तानी मेड एंटी शिप क्रूज मिसाइल हरबा क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करेगा जिसकी रेंज तकरीबन 350 से 450 किलोमीटर बताई जाती है। इसकी दो डिफरेंट रेंजेस की रीज़न ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट में जो हरबा क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है उसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि जो लैंड बेस्ड एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसका नाम जर्ब है, जैसा कि आप इन तस्वीर में भी देख सकते हैं, उसकी रेंज 450 किलोमीटर है। तो अगर हरबा मिसाइल को अजमत क्लास फ्रिगेट्स की कैटेगरी का कंसिडर किया जाए तो फिर इसकी रेंज तकरीबन 350 किलोमीटर होगी, तहम इस रेंज को एक्सटेंड करके 450 किलोमीटर तक भी किया जा सकता है और पॉसिबिलिटी यही है कि पाकिस्तान ये जो 6 क्रूज मिसाइल इस फ्रिगेट के ऊपर फिट करेगा वो 450 किलोमीटर तक की रेंज के हामिल होंगे। इस वक्त जो चाइनीज नेवी के जेर इस्तेमाल क्रूज मिसाइल इस शिप के ऊपर नस्ब किए गए हैं वो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये C802A या जिसको C803 क्रूज मिसाइल एंटी शिप क्रूज मिसाइल कहा जाता है, ये उसकी फुटेज है जो आप इस वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान जो टाइप 54A फ्रिगेट्स इंडक्ट करने जा रहा है वो HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल भी कैरी करने की कैपेबल हैं और बुनियादी तौर पे इन वेसल्स का मेजर पर्पस एयर डिफेंस प्रोवाइड करना भी है और इस लिहाज से देखा जाए तो ये शिप्स 32 सेल्स के हामिल HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल फायर करने की सलाहियत की हामिल है और ये HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको LY-80 के नाम से भी जाना जाता है पाकिस्तान की एयर डिफेंस यूनिट्स ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान नेवी इसको इन शिप्स के जरिए अपने फ्लीट में इंडक्ट करने जा रहा है। याद रहे कि HQ-16 की इस वक्त रेंज 40-50 किलोमीटर के अराउंड है और ये मिसाइल डिफरेंट एयर थ्रेट्स को डिटेक्ट करने के साथ साथ उनको इंगेज करने की सलाहियत का हामिल है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस फ्रिगेट में एक 76 mm की हामिल मेन गन भी नस्ब है जो 10 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को इंगेज करने की सलाहियत की हामिल है और ये 120 पर मिनट फायर करने की सलाहियत रखती है। इसके साथ साथ इस फ्रिगेट पर 2 क्लोज इन वेपन सिस्टम फिट होंगे जो 5000 राउंड्स पर मिनट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस तक टारगेट्स को इंगेज करने की सलाहियत की हामिल है। ये CIWS बुनियादी तौर पे शिप्स पर सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये किसी किस्म के शिप पर आने वाले क्रूज मिसाइल या रॉकेट्स को 1 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस तक इंगेज करके मार गिराने की सलाहियत रखती है ताकि आने वाला रॉकेट और क्रूज मिसाइल शिप को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके साथ साथ इस फ्रिगेट के अंदर एंटी सबमरीन वारफेयर से मुतलका टॉर्पीडो ट्यूब्स भी नस्ब हैं। टॉर्पीडोज के साथ साथ एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट्स भी कैरी करने की सलाहियत की हामिल है। इन एडिशन टू दैट इस टाइप 54A फ्रिगेट में एक Z-9C हेलीकॉप्टर का हैंगर भी मौजूद है और इस हेलीकॉप्टर के लिए अलग से हेलीपैड भी मौजूद है, जैसा कि आप इन तस्वीर में भी देख सकते हैं। आखिर में मैं इसको कंक्लूड करता चलूँ
कि पाकिस्तान इस कैटेगरी की चार फ्रिगेट्स आने वाले अरसे में अपनी नेवी के अंदर इंडक्ट करने जा रहा है। याद रहे कि इन फ्रिगेट्स का इनिशियल ऑर्डर दो फ्रिगेट्स पर मुश्तमिल था जो कि पाकिस्तान ने 2017 में प्लेस किया था और इसके बाद इसका दो शिप्स का फॉलो अप ऑर्डर पाकिस्तान ने जून 2018 में साइन किया और ये चारों शिप्स 2021 तक पाकिस्तान नेवी के फ्लीट में इंडक्ट कर दी जाएंगी और ये पाकिस्तान नेवी का लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन का जो प्लान है उसके तहत ये स्टेप उठाया गया है। याद रहे कि पाकिस्तान आने वाले अरसे में 8 सबमरीन्स भी इंडक्ट करने जा रहा है अपनी नेवी के अंदर और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 4 कॉर्वेट्स भी टर्किश कंपनी से ऑर्डर की हुई हैं जो कि इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके हवाले से डिटेल वीडियो भी हम आपसे जल्द शेयर करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।